सारे क्वेश्चन सर। 7 साल। किससे डिफाइन करते थे डेंसिटी को? वेट करें ना, 1-2 मिनट ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं।
जी बताइए कौन सा टॉपिक। मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डेंसिटी एंड प्रेशर, ये थ्योरी क्लास में हुआ था नहीं हुआ था बताया मुझे। जो टॉपिक आपने पढ़ना बता दो मुझे, कोई भी साफ साफ आप बताएं जिस टॉपिक में आपको मसला सोचा था। वानिया, आफिया, मारिया, जो टॉपिक पढ़ना चाहें बता दो मुझे। मेरे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, मैं तुम्हारे ग्रुप पे उसका एड्रेस डाल रहा हूँ अभी, रुको, ताकि तुम लोग को ये मसला ना हो कि हमारे ये टॉपिक मिस हो गया था, वो टॉपिक मिस हो गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारे पास ना भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ अपने, उसका गूगल ड्राइव का एड्रेस है, राइट। तो अभी क्लास की दवाई ने तुमने मुझे चेक कर दें, और एक आध क्वेश्चन अपने पास पे मुझे भेजते रहो, ताकि मैं जब तक कराता रहूँ और मैं तुम्हारे पास एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। और अभी क्लास ही में चेक कर दें तुमने व्हाट्सएप पे, एक सेकेंड रुको, व्हाट्सएप ताकि किसी ने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने अपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर गूगल क्रोम के ऊपर डाल दिए, वो गूगल ड्राइव के ऊपर, उसका मैं एड्रेस दे रहा हूँ। एक मिनट वेट करो, जब तक आ रहा हूँ आप ये जब तक आपको अपने क्वेश्चन भेजें जो आपने पूछना हो पास पेपर का ना। एक मिनट दो मुझे,
ताकि मैं इसके ऊपर में चीजें अपलोड कर दूं। अगर काइनेमेटिक्स की बात करते हो तो काइनेमेटिक्स के अंदर आपके पास गूगल ड्राइव, मैंने आपके पास ईमेल एड्रेस भेजा है गूगल ड्राइव के ऊपर, राइट। इसके ऊपर सारी के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, हर टॉपिक के जितने टॉपिक आपने पढ़े, चाहे वो काइनेमैटिक्स हो, चाहे वो एरर हो, चाहे वो आपके पास डायमेंशन हो, डायनेमिक्स हो, चाहे वो आपके पास वर्क एनर्जी पावर हो, चाहे वो आपके पास डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड हो। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड आपके पास मिड टर्म में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, जब शायद हाँ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ा है मैंने आप लोग को। इसके सर काइनेमैटिक्स पढ़ा दें, ठीक है, काइनेमैटिक्स पढ़ लें। अगर काइनेमैटिक्स की बात करना चाहते हो मैं टॉपिक का नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सर प्रेशर डेंसिटी में क्या रह गया? बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने, अच्छे वैसे सर नींद आ रही थी, सो गया था मैं। नींद आ रही थी, सो गए था आप। प्रेशर डेंसिटी में क्या रह गया? प्रेशर डेंसिटी के अंदर आप मुझे बताएं मैंने कहाँ तक करा दिया था। ये ऑनलाइन में हुआ था या फिजिकल में हुआ था ये बताओ पहले। प्रेशर डेंसिटी में एक तो दो लिक्विड की डेंसिटी, दो लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला था वो करा दिया था मैंने, लिक्विड वन लिक्विड टू, पहले ये बताओ। करवा तो दिया था ऑनलाइन क्लास के या फिजिकल जो क्लास हुई थी उसमें यही कराया था, मुझे याद पड़ रहा है। अगर दो लिक्विड हों और दोनों लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सर, प्रेशर डेंसिटी के मैं फॉर्मूले लिखता हूँ तो मुझे बताना मैंने कौन कौन से करा दिए थे। एक फॉर्मूला था आपके पास फोर्स अपॉन एरिया का था, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो बेसिक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, याद आया कुछ? ये ड्राइव कराया था क्लास के अंदर,
हो गया याद है कुछ या भूल गए? फोर्स अपॉन एरिया कराया था पहला फॉर्मूला, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता था किसके लिए? लिक्विड सॉलिड के लिए एंड गैस के लिए। दूसरा फॉर्मूला करवाया गया था आपके पास रो जी एच। आज की क्लास तो आपकी, बाकी बच्चे तो मुझसे बोला काइनेमेटिक्स का रिवीजन दे दे, तुम लोगों ने मुझे पासवे के सवाल भी नहीं भेजे। अच्छा रो जी एच करवाया था दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कहता है रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू का दो लिक्विड हो। देखो प्रेशर का पहला फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, राइट। दूसरा फॉर्मूला कराया गया था प्रेशर इज इक्वल टू रो टाइम्स जी टाइम्स एच। तीसरा फॉर्मूला होता था दो लिक्विड के लिए, अगर दो लिक्विड हो तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है रो टाइम्स जी टाइम्स एच वन प्लस रो टू टाइम्स जी इंटू एच टू। ये पहले लिक्विड का प्रेशर होता था, ये दूसरे लिक्विड का प्रेशर होता था, जस्ट लाइक दिस। अगर एक कंटेनर के अंदर दो लिक्विड फिल हुए हैं, एक लिक्विड ये फिल हुआ हुआ था और एक लिक्विड ये फिल हुआ हुआ था, तो जो पहला लिक्विड होगा इसकी हाइट होगी एच वन, जो दूसरा लिक्विड होगा इसकी हाइट होगी एच टू, इसकी डेंसिटी होगी रो टू, इसकी डेंसिटी होगी रो वन। तो जो टोटल प्रेशर निकाल लोगे आप बॉटम के ऊपर, ये कहलाएगा पी टी, टोटल प्रेशर। तो बराबर होगा प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ सेकंड लिक्विड। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया ये रो टाइम्स जी टाइम्स एच वन प्लस रो टू जी एच टू। ये चीज थी। उसके बाद इसमें जो चीज़ मेला से रह गई थी वो रह गई थी आपके पास मैनोमीटर रह गया था, और ये कहलाता था रो टू का फॉर्म, ये उसका कहलाता था रो टू का। तो ये तो प्रेशर लिक्विड का फॉर्म लेते आपके पास। उसके बाद इसमें जो चीज़ रह गई थी वो रह गई थी आपके पास मैनोमीटर। तो टॉपिक लिखो मैनोमीटर। ये टॉपिक आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था और ये इसके अंदर भी आपके पास। तो अगर आप मैनोमीटर की बात करते हो एक्चुअली मैनोमीटर क्या चीज होती थी? मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए गैस का प्रेशर कैलकुलेट किया करते थे। क्या कैलकुलेट किया करते थे? गैस का प्रेशर, जस्ट लाइक दिस। अभी मैं इसके डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा।
ये कहलाता था आपके पास मैनोमीटर, जिसकी मैंने शेप दिखा दी है। एक शेप इसकी आ जाएगी, दूसरी शेप इसकी आ सकती है। अब देखें मैनोमीटर के अंदर ये एक यू शेप ट्यूब होती है, ये जे शेप ट्यूब, दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर, जिसकी दोनों साइड्स आपके पास ओपन होती है। और दोनों साइड्स अगर ओपन होंगी तो इसका मतलब होगा आप इसकी एक साइड पे अप्लाई कर सकते थे क्या चीज़, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक साइड पे अप्लाई कर सकते थे गैस का प्रेशर। अंडरलाइन तो ये आपके पास बनेगा मैनोमीटर का सेटअप। तो मैनोमीटर की डेफिनेशन क्या होती थी? अच्छा मैं लास्ट से 10 से ना आप लोगों को ऑफ दे रहे हैं, तो 10 से ऑफ दे रहे हैं, उसके बाद मगर क्लासेस टीचर या तो कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें आप फिर रिवीजन क्लासेस कर सकते हैं। तो आज 9 है मेरी लास्ट से, जो तुम्हारी फ्राइडे वाली क्लास होगी उसके अंदर मैं तुम लोगों को काइनेमेटिक्स रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जब तुम लोग नहीं आए थे क्लास तो मैंने बच्चों से पूछा था साथ से आफिया से, तो ये लोग बोल रहे थे मैं काइनेमेटिक्स से रिवीजन क्लास चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास में मैं प्रेशर वर्क एनर्जी करा देता हूँ मैं, ये प्रेशर और डेंसिटी। अगर जो फ्राइडे वाली क्लास होगी उसके अंदर अगर तुमको रिवाइज करना हो तो आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। टॉपिक कराऊंगा मैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का रिवीजन कराऊंगा मैं आपके पास। फिर क्वेरीज पूछने आ जाऊं? मगर पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा इन लोग को, उसके बाद फिर ज्वाइन कर सकते हो। जब मैं क्यूरीज के लिए बोलूंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, तो मैं ताकि ज्वाइन कर लूं। फिर क्वेरी की अलग क्लास रख देना। क्या मतलब अलग क्लास रख? सर अलग से रख दें, फिर उसमें क्वेरी में तो वैसे ही टाइम लगता है। हाँ तो मंडे को होगी ना, दो घंटे की क्लास होती है, उसमें क्वेरी पूछते हैं ना, मसला थोड़ी होगी। मंडे को होगी क्लास? मंडे को क्यों नहीं होगी? क्लासेस तो होंगी, टीचर चाहे तो रख सकते हैं। तो इस फ्राइडे की क्लास के अंदर मैं काइनेमेटिक्स की रिवीजन कराऊंगा, मंडे की क्लास के अंदर मैं क्वेरीज करा दूंगा। सर वैसे तो आपने बोलते वेंसडे फ्राइडे दोनों दिन क्वेरीज होंगी। हाँ हाँ, वेंसडे तो आपने, वेंसडे को तो आप सोते रह गए, आप ही सोते रह गए थे। हाँ तो उठे आधी क्लास में उठे, हाँ 8:30 बजे तक भेज दो अपने क्वेश्चंस, पहले मैनोमीटर करा देता हूँ, अगर टाइम बचा तो एक दो क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखिए ये मैनोमीटर है, बैरोमीटर नहीं है। नहीं सिलेबस में है ना वो भी? क्यों नहीं है? डेंसिटी के अंदर है, डेंसिटी प्रेशर के अंदर से पास में के सवाल नजर आएंगे। अब देखें इसकी दोनों साइड्स ओपन होती हैं, जब दोनों साइड्स ओपन होंगी तो दोनों साइड से एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। अब लिक्विड जो होगा शिफ्ट हो रहा होगा, तो याद रखें इसकी जो मेजर डायग्राम बनती है वो तीन बनती हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसमें भी आपके पास क्या चीज़ है, एक तरफ गैस का प्रेशर है और एक तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस डायग्राम को देखते हुए जो आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये देखें ये आपके पास है वाटर वेपर्स, तो यहाँ से वाटर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। यहाँ भी एक लिक्विड फ्लो होता है, एक गैस फ्लो ही होती है। वाटर वेपर्स का मतलब है गैस है, एक प्रेशर गैस से लग रहा है, एक प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस आ रहा है। अगर दोनों की हाइट सेम होती, तो फिर आप क्या चीज़ लिख सकते थे? फिर जो आप इक्वेशन लिखते, वो इक्वेशन लिखते तीन कंडीशन बनेंगी। नंबर वन, पी नॉट बराबर होगा पी डब्ल्यू के या पी जी के। पी नॉट का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी जी का मतलब है गैस प्रेशर। ये कब होगा? व्हेन लेवल ऑफ लिक्विड इन बोथ साइड्स आर सेम। क्या यहाँ पे आपको लेवल सेम नज़र आ रहा है? आपको लेवल सेम नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और गैस का प्रेशर क्या है, कम है आपके पास। इसका मतलब बनेगा केस वन जब बनेगा, जब दोनों का लिक्विड का प्रेशर आपके पास क्या होता, प्रेशर सेम आ रहा होता। तो अगर आपके पास दोनों साइड के ऊपर लेवल सेम हो जाएगा तो फिर आपके पास इक्वेशन लिखेंगे ये। राइट तो पी जी बराबर होगा पी नॉट के, क्या होगा आपके पास? पी जी बराबर होगा पी नॉट के। और अगर आपके पास गैस प्रेशर ज़्यादा होता
तो फिर लिक्विड शिफ्ट हो जाता कहीं और, जस्ट लाइक दिस। दिखाता हूँ मैं डायग्राम, ये जो मैंने डायग्राम दिखाई है इसके अंदर अभी गैस का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। इसकी तीन पॉसिबल डायग्राम बनती हैं, ये दिखाता हूँ मैं। उस डायग्राम के हिसाब से मैं आपके पास इक्वेशन लिखूंगा फिर। एक मुझे डायग्राम ऐसे मिल जाए जिसके अंदर तीनों कॉन्सेप्ट आ जाए, तो फिर मैं एक साथ ही प्लेस कर दूंगा और फिर उसी की वर्किंग बता दूंगा। एक सेकंड, अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो फिर आपके पास इनपुट लाइक दिस डायग्राम। गैस के पीछे इसमें भी साथ तीनों डायग्राम एक साथ नहीं नजर आ रहे मुझे। जी ये वो डायग्राम है जिसमें तीनों आपके पास कंडीशंस आ रही हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दें वापस। स्क्रीन शेयर कर दें एक सेकंड। यस, ये डायग्राम आ गई जिसके अंदर तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ हैं। याद रखें ये एक यू शेप यू होती है या जे शेप यू होती है, इसकी एक साइड ओपन होगी और दूसरी साइड के बाद आप गैस की सप्लाई लगाओगे। क्या लगाओगे? गैस की सप्लाई। अब आपके पास यहाँ से गैस सप्लाई हो रही है और पी नॉट का मतलब होता है एटमोसफेयर प्रेशर। तो इसमें जो पहले डायग्राम है राइट, डायग्राम नंबर वन, अब इसके अंदर अगर मैं तीन डायग्राम की बात करूं तो इसके अंदर आपके पास जो तीनों डायग्राम है, एक्स है एक जगह चेंज, वाई है, जी है, अब इस डायग्राम से आपको देख के पता चल रहा है कि जो गैस का प्रेशर है वो ज़्यादा है राइट। गैस का प्रेशर क्या आपके पास ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है, ये देखें इस साइड से गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है और इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पी जी। मतलब होगा पी जी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट। अब पी जी पी नॉट से कितना ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है 30 cm। क्या लिखा हुआ है? 30 cm। अब लिखेंगे पी जी इज ग्रेटर देन गैस प्रेशर राइट। अब कितना ज़्यादा है तो आपको लिखना पड़ेगा पी जी बराबर होगा पी नॉट प्लस, क्या लिखना होगा आपने, पी नॉट इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है प्लस रो जी एच। अब यहाँ पे रो जो काउंट होगा लिक्विड का काउंट हो रहा होगा, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी थी, आपने लिक्विड लिया था वाटर तो वाटर की डेंसिटी थी 1000। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को सॉल्व करना चाहूँ तो पहले बताएं डायग्राम समझ में आ रही है, एक साइड से गैस अप्लाई हो रही थी एक साइड से एटमॉस्फेयर अप्लाई हो रहा था, आपने दोनों का लेवल चेक किया। जब दोनों का लेवल चेक करते हैं तो आपको पता चला कि गैस का प्रेशर ज़्यादा था इसलिए लिक्विड जो इधर शिफ्ट हो गया। कितने cm शिफ्ट हो रहा है? 30 cm शिफ्ट हो रहा है। उसका मतलब होगा इस डायग्राम के हिसाब से मैं वर्किंग करूंगा, मैं लिख सकता हूँ पी जी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट। पी नॉट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती थी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती थी 100 kPa, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू होती थी 1.01 × 10⁵। ये लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 kPa। अब इस डायग्राम को देख के मैंने लिखा कि पी जी इज ग्रेटर देन पी नॉट। पी जी का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस, पी नॉट का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना ज़्यादा है? अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा पी जी शुड बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। रो का मतलब डेंसिटी, जी का मतलब ग्रेविटी, एच का मतलब हाइट। तो दोनों लेवल के जो हाइट का डिफरेंस है वो 30 cm है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूँ, कैलकुलेटर अपने हाथ पे ले लें आप लोग, सॉल्व आपने करना होगा। तो फिर मैं आपके पास क्या करूँगा, फिर मैं आपके पास
जो इसकी वर्किंग करूंगा वो कुछ ऐसे होगी कि आपको लिखना पड़ेगा पी जी इज इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट होता था 100 किलो पास्कल प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड फिल किया होता वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट का डिफरेंस कितना आ रहा था दोनों का 30 cm, तो 30/100। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप 100 किलो पास्कल में या 100,000 के अंदर ऐड करो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 30/100, बताओ सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा होगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ गैस प्रेशर इन दिस डायग्राम। तो आपने क्या करना होगा, 1000 को मल्टीप्लाई करना होगा 9.81 से, मल्टीप्लाई करना होगा 30 से, डिवाइडेड बाय 100, तो बनेगा 2943। तो 2943 में जब आप ऐड करोगे 100,000 में ऐड करोगे 2943, तो प्लस, तो आंसर आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 102.9 किलो पास्कल, दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये नहीं आई? अब आप दूसरी डायग्राम अगर देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास लिक्विड जो आपने फिल किया हुआ है मरकरी फिल की हुई है, इधर से गैस अप्लाई हो रही है, इधर से एटमॉस्फेयर अप्लाई हो रहा है, तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, गैस का या एटमॉस्फेयरिक? जिस साइड पे लिक्विड शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपके पास लिक्विड शुरू हो रहा है गैस की साइड पे, याद रखें जिसका लेवल कम होगा वो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर सेम होता तो आपके पास दोनों जगह का लिक्विड सेम बनता, जस्ट लाइक दिस, ए अगर आप एक ये यू शेप ट्यूब बनाते, और यहां से आपके पास गैस अप्लाई हो रही होती, और यहां से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता, और लेवल सेम होता, अगर लेवल सेम होगा तो यहां से अप्लाई हो रहा होगा गैस प्रेशर पीजी, और यहां से अप्लाई होगा पी नॉट, तो ये पी नॉट कहलाएगा, ये पी जी कहलाएगा। आप देखें दोनों का लेवल सेम है, मैं लिखूंगा पी जी इज इक्वल्स टू पी नॉट, तो जो पी जी की वैल्यू हो जाएगी 100 किलो पास्कल, ये आंसर बन जाएगा। ये 2 था, ये 1 था। अब थर्ड के अंदर क्या होगा, थर्ड के अंदर गैस का प्रेशर कम होगा, तो जब गैस का प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब होगा लिक्विड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा किस साइड के ऊपर, एटमॉस्फेरिक। अब जो डायग्राम दिखाऊंगा उसके अंदर देखें आपके पास, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा था, और यहाँ से आपके पास प्रेशर ऑफ गैसेस अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से पीजी अप्लाई हो रहा है, यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब जो आपकी डायग्राम बनेगी उस डायग्राम के अंदर मैं ये दिखाऊंगा, ये लिक्विड है, लिक्विड ज़्यादातर मरकरी होता है, या तो वाटर होगा या मरकरी होगा। तो आप इस डायग्राम को देख के पता चलता है कि यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है प्रेशर, लिक्विड लेवल यहाँ पर और यहाँ पर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन है गैस प्रेशर से, या गैस प्रेशर जो है वो लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि लिक्विड जो है वो शिफ्ट इधर हो गया। तो कितना शिफ्ट हो गया, इसकी जो हाइट होगी, हाइट लेवल का डिफरेंस ऐसे निकालेंगे आप, ये देखें ये इसके लेवल का डिफरेंस होगा लिक्विड के, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके पास, किस ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। तो अगर आपके पास लेवल को हाइट का मार्क करें तो ये यहाँ से बनेगा, यहाँ तक बन रहा होगा,
ये जो मैंने ग्रीन से एरो मार्क किया है ये कहलाएगा आपके पास H। तो आपके पास PG बराबर होगा P नॉट माइनस रो जी एच। तीन फॉर्मूले होते हैं इसके, ये बन जाएगा तीसरा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, PG इज इक्वल्स टू P नॉट। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, PG इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, PG इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस रो जी एच। ये फॉर्मूला जब होगा जब आपके पास दोनों के गैस प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो। ये फॉर्मूला जब होगा जब PG इज ग्रेटर देन P नॉट हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब PG इज लेसर देन P नॉट हो। क्या मेरी बात समझ में आई, तो या तो PG P नॉट माइनस रो जी एच के बराबर होगा, ये PG P नॉट प्लस रो जी एच है, और P नॉट का मतलब होता था एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है। कितनी होती थी P नॉट की वैल्यू, P नॉट की वैल्यू होती थी 100 किलो पास्कल। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, जिस वैल्यू को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ये वाली आपकी क्या रहेगी, सर पीजी की स्टैंडर्ड। वैल्यू दी होगी हमें, दोबारा से बोलो, पी पीजी की वैल्यू दी होगी हमेशा पी नॉट की, एग्जाम में, मतलब कुछ हाँ नहीं, पी नॉट की वैल्यू पीजी आपके पी जी की। पी जी का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। पी की। नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट करवाएगा एग्जामिनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन होगी, सॉरी गिवन नहीं होगी, याद करके रहेंगे, 100 किलो पास्कल। फर्स्ट की एग्जैक्ट वैल्यू होती थी 1.01। पी नॉट की अगर तुम बात करो तो 1.013 × 10⁻⁵ पास्कल, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती थी 100 किलो पास्कल। बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर गैस का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आपके पास, इस डायग्राम से रिलेटेड फॉर्मूला ये है, ये इस डायग्राम से रिलेटेड फॉर्मूला ये है। यहाँ पे दोनों सेम है, और जो ऊपर मैंने न्यूमेरिकल कराया था ये देखें, इसके अंदर आपके पास क्या नज़र आ रहा था, गैस का प्रेशर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा था, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम नज़र आ रहा था, क्योंकि लिक्विड शिफ्ट कर गया था किस साइड के ऊपर, एटमॉस्फेयर वाली साइड के ऊपर। तो मैंने लिखा था PG इज ग्रेटर देन P नॉट। PG बराबर होगा P नॉट प्लस रो जी एच। अब यहाँ पे मैं डेंसिटी लूंगा उस लिक्विड की जो इसमें फिल हुआ हुआ है, तो यहाँ पे लिक्विड डेंसिटी जो ली थी मैंने 1000 ली थी, क्योंकि वाटर फिल किया हुआ था आपने। क्या फिल किया हुआ था, वाटर। अगर अब ये क्वेश्चन होता तो आंसर कुछ और आता आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड फिल हुआ हुआ वो मरकरी है। तो मैं पूछ लूंगा इस डायग्राम के लिहाज से वर्किंग करो, तो अगर तुम इस डायग्राम के लिहाज से वर्किंग करते तो तुम देख के लिखते PG इज ग्रेटर देन P नॉट, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है। इसका मतलब बनेगा PG बराबर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। अब P नॉट की वैल्यू लेंगे आप 100 किलो पास्कल प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की डेंसिटी होती थी 1360, 13600। 1360 इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट जो आ रही थी वो आ रही थी 30/100। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एयर गैस प्रेशर आ जाएगा 100,000 प्लस, अब आप 1360 को मल्टीप्लाई करो, 1360 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 30/100, तो आपका आंसर जो आएगा, वन थ्री सिक्स डबल ज़ीरो वन थ्री सिक्स डबल ज़ीरो 3600 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। आंसर जो आ रहा है आपका आ रहा है 40 टाइम्स 0 × 10³। जब इसमें ऐड करेंगे आप 100,000 तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 140। तो PG की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 140 किलो पास्कल। ये आंसर आ रहा है आपका।
तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, मगर लिक्विड के हिसाब से डेंसिटी चेंज हो रही होगी। अगर लिक्विड वाटर था तो डेंसिटी लेंगे 1000, अगर लिक्विड मरकरी है तो डेंसिटी लेंगे 13600। ये इसका पैटर्न था। यहाँ तक समझ में आया? तीन फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। वो तीन फॉर्मूले कौन कौन से? नीचे आएगा मुझे वापस हैं वैसे ही नीचे क्या? दोबारा से पूछो। हाँ बस ये देखना था, पीओ ग्रेट वो वाला केस दिखाएगा वापस जिसमें पीओ ग्रेटर है पीजी से। ये रहा लास्ट वाला, ये रहा ना लास्ट वाला, बस ये पीजी पीजी इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच। कर लो कॉपी से। और एक घंटे की क्लास में कोशिश किया करो टाइम पे आ जाना आप लोग यार। अब देखिए ये सवाल कैसे करेंगे। अब बताएं एमसीक्यू नंबर 15 कैसे करेंगे। द डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज 113.6 × 10³ kg/m³। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द कॉलम ऑफ मरकरी इज, द प्रेशर डिफरेंस इज 100 kPa। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉलम? आपको प्रेशर के बिना, आपको डेंसिटी के बिना, आपको ग्रेविटी के बिना हाइट निकालनी है। द डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज 113.6 × 10³ kg/m³। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द कॉलम इज 100 kPa। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉलम? कैसे निकालेंगे बताएं मुझे। अब देखें आपके पास एग्जामिनर ने आपको डेंसिटी बता दी है। अगर मैं एमसीक्यू नंबर 15 की बात करूं तो एग्जामिनर ने आपको क्या बता दी थी? डेंसिटी। डेंसिटी एग्जामिनर ने आपको बता दी है। तो आपके पास फॉर्मूला होता था प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर कितना गिवन है? 100,000 इज इक्वल टू डेंसिटी बराबर होगी 13.6 × 10³ मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट। सॉल्व कर लो, इसका मतलब बनेगा जब आपके पास 100,000 को आप डिवाइड करेंगे 13.6 × 10³ मल्टीप्लाई बाय 9.81 से, तो आपके पास हाइट निकल आएगी। अब 100 kPa को डिवाइड कर दें, 100,000 डिवाइडेड बाय 13.6 × 10³ फिर डिवाइडेड बाय 9.81, तो आंसर आएगा 0.749 meter। अगर आपका आंसर इसके अंदर 0.75, ये बन गया आंसर ऑप्शन ए। 15 का ऑप्शन ये आना चाहिए 15 का। क्या समझ में आया?
का ऑप्शन ये होना चाहिए, सेट पंद्रह वाले का पास ये पेपर नहीं बताओ। हमारे पास, क्या कह रहे हो, इस वाले टॉपिक के पास पेपर ये वाले नहीं है? क्योंकि बुक नहीं है। बुक वन के अंदर जो है ना, हाँ मेला से तुम बोलते हो, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँ पेपर फाइल को, इस फाइल को नहीं व्हाट्सएप पे सर, डाल बाद देता हूँ मैं। में हम जब कॉलेज आएंगे ना तो इसकी बुक बना दें। सर अभी डाल देना, आप मिर्च की तैयारी कर लेंगे। हाँ अच्छा हाँ सही सही मैं भी सही, ये बोल रहा था डाल देता हूँ। डाल दें सर। आज आज मेरी क्लास जो है ना तकरीबन 3 बजे तक है, 3 बजे के बाद में फारिग होगा तो मैं डाल दूंगा 3 बजे ग्रुप के ऊपर ना। वैसे तो मैं ये बुक तो मिली जाएगी कॉलेज से, मगर मैं ऑनलाइन की बात करूँगा ग्रुप में डाल देता हूँ। सही है, ठीक है, फिर फ्राइडे वाली क्लास में कंटिन्यू करूंगा आपके पास आपकी क्यूरीज। नहीं, फ्राइडे को तो मैंने क्या कहा, फ्राइडे को मैं काइनेमेटिक्स रिवाइज कराऊंगा, फ्राइडे वाली क्लास में काइनेमेटिक्स रिवाइज कराऊंगा मैं, और मंडे की क्लासों को इसमें क्यूरीज कराऊंगा सर। ठीक है, मेरे अब आगे भी क्लास है, रखता हूँ बस क्लास यहीं पर। ओके जी, खुदा हाफिज़।